हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएन केस किचन। अगर आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन इडली अपने घर में, तो बिल्कुल ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनेगी, एकदम साउथ इंडियन अन्ना स्टाइल इडली, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं सांभर और नारियल की चटनी के साथ। तो कैसे इसे बनाना है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए हैं 3 कप राइस। नॉर्मल चावल है, बासमती राइस यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। आप देख सकते हैं बहुत छोटे वाले चावल जो आते हैं वही मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। साथ में यहाँ ली है 1 कप उड़द की दाल, और उड़द की दाल के साथ हम लेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। तो मेथी दाना को मैं उड़द की दाल में मिक्स कर दूँगी। अब हमें इन दोनों चीज़ों को, चावल को और दाल को, अलग अलग रखना है। मैंने इनको दोनों को 3-4 पानी में धो लिया है और अच्छे से पानी में मैंने इनको भिगो दिया है 5-6 घंटे के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ 5-6 घंटे के बाद चावल बहुत अच्छे से फूल गए हैं और दाल भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अब हम इन दोनों को पीस लेंगे। तो पहले मैं दाल को पीस लूँगी। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें तैयार करना है दाल का। तो दाल यहाँ पे मैंने पीस ली है, इसको मैं बर्तन में निकाल दूँगी और इसी जार में हम चावल को भी पीस लेंगे। इसका भी स्मूथ बैटर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर दिया है। इसको भी हम उसी बैटर में ऐड कर देंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको हमें कम से कम 10 मिनट के लिए फेंटना है। जो बैटर हमने तैयार किया है, हम इसको 10 मिनट तक अपने हाथों से फेंटेंगे ताकि बैटर जो है बहुत लाइट हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, और जब हम इसकी इडली बनाएंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप आप ज़रूर फॉलो करें जब भी आप साउथ इंडियन स्टाइल में इडली बना रहे हैं। और चावल आप बासमती यूज़ ना करें, जो नॉर्मल चावल आते हैं, छोटे चावल जो होते हैं वही यूज़ करें इडली में, उससे इडली बहुत अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इस बैटर को फेंटती जा रही हूँ। 10 मिनट तक आप इसको फेंटें और ये बैटर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 10 मिनट तक बैटर को फेंट लिया है। अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। तो यहाँ इस बर्तन को हम ढक देंगे। 7 से 8 घंटे इसको रखना है, या ओवरनाइट भी हम इसे रख सकते हैं। तो मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए बैटर बहुत अच्छे से फूल गया है। जब मैं इसे निकाल के मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया ये बैटर, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी है। तो अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकालेंगे। मैं थोड़ा बैटर अलग बर्तन में निकाल लूँगी। आप अगर चाहें तो बैटर को पहले ही, जो कंसिस्टेंसी हमारी चाहिए इडली के लिए, आप उसमें रख के भी फर्मेंट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बैटर को थिक रखा था। अब मैंने थोड़ा बैटर अलग बर्तन में निकाला है और थोड़ा पानी मैंने इसमें मिक्स किया है, और एक बार फिर से मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी आपके इडली के बैटर की होनी चाहिए। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा नमक और दोबारा हम इस बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल वाइट हो गया है जैसे मैंने इसको फेंटा है, और थोड़ा पानी मैंने मिक्स किया था। बैटर आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट, एकदम वाइट बैटर बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी तैयार करेंगे इडली। तो इडली प्लेट्स मैंने तेल से ग्रीस कर ली हैं। अब इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं बैटर इसमें डाल रही हूँ। अब एक बार इसको इवन कर लेंगे, और इसी तरह से मैंने दूसरी प्लेट भी तैयार कर दी है। मैंने स्टीमर रख दिया है पहले से,
पानी उबल रहा है और इन दोनों प्लेट्स को हम इसमें रख देंगे और इसे ढक्कन लगा के हम इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट हाई फ्लेम पे आप इसको रखेंगे, बिल्कुल इडली बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा था, आप देख सकते हैं इडली बहुत अच्छे से फूल गई है। आप इसको चेक कर लें, देखिए एकदम क्लीन नाइफ है, मतलब इडली आपकी बिल्कुल बनके तैयार है। ज़्यादा समय में बिल्कुल भी नहीं लगता है, 10 मिनट के लिए आप रखेंगे तेज आंच पर, इडली बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। देखिए अच्छे से फूल गई है इडली। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे प्लेट्स को और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो यही तरीका है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी वाइट इडली बनाने का। जो टिप मैंने आपको बताया है आप उसे फॉलो करिएगा, आपकी इडली बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हम इन इडली को निकाल देंगे बाहर चाकू की सहायता से, इजीली निकल जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं इतनी अच्छी झाली बनी है इसकी और बहुत ही नरम इडली बनके तैयार हुई है। इस तरह से हम सारी इडलियों को स्टैंड से बाहर निकाल देंगे और इजीली निकल जाती है, बिल्कुल चिपकती नहीं है स्टैंड पे। तो फ्रेंड्स देखिए तैयार है बिल्कुल अन्ना स्टाइल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन इडली। आप झाली इसके देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी, आप देख सकते हैं मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट बनती है और बिल्कुल वाइट इडली बनके तैयार होगी आपकी। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से बाकी की जो इडली है वो भी हम तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से इडली फूल रही है, हमने इसको अच्छे से फर्मेंट किया है, 7 से 8 घंटे इसको रखना है, मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इडलियाँ फूलती हैं। तो इस मेथड से इडली बनाइए, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्पॉन्जी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।